टूडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट थ्री ऑफ चैप्टर फिफ्टीन सर्कल्स एक्चुअल में फिफ्टीन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स पे सलीना में इस चैप्टर का नेम टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है क्लास टेन फोर आईसीआईसी फ्रॉम एम एल अग्रवाल तो सबसे पहले इसमें जो थ्योरम हैं, वो देखो क्या है सबसे पहली थ्योरम जो हमने इसमें करनी है टेंजेंट क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए वी मीन बाइट टेंजियंट टेंजेंट होती है एक सर्कल है सर्कल को लाइन टच करके जाए यहां से एक लाइन ऐसे जा रही कितने पॉइंट पे टच किया एक पॉइंट पे टच करेगी कितने पॉइंट पे टच करेगी एक पॉइंट पे जहां पे वो टच करने या यहां सर्कल और ये लाइन मिलकर दोनों दीज टू लाइन सर्कल और ये लाइन मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट को बोलते है, contact. Contact हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है ना दोनों का सर्कल का और टेंशन का दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो जो पहली थियोरम है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दू तो ये रेडियस हो गया ना तो पहले हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दैट एंशियंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझे बच्चे अंडरस्ट में, मुझे ये बताओ पहले तो ये क्लियर दिख रहा है yes, sir. Sure. कहीं पे तो भी मेरे हो. पास कहीं पे भी नहीं बेटा जो पॉइंट कंटेक्ट हो रहा है ना वहां से जो रेडियस है वही उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी ऐसे नहीं कि तो यहां पे ले ले और वो परपेंडिकुलर हो जाएगी वो नहीं होगी परपेंडिकुलर टू ए बी समझे बच्चे इस वे से होगा ये थ्योरम नंबर वन है इसके बाद आती है हमारे पास थ्योरम नंबर टू इसके बाद क्या आता है हमारे पास थ्योरम नंबर टू थ्योरम नंबर टू क्या है एक सर्कल है सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे जल्दी बताओ बोलो जल्दी से क्या बोला आपने ये पी पॉइंट है सर्कल के बाहर है ना इस पी पॉइंट से मैं सर्कल के पे कितनी टेंजेंस ड्रॉ कर सकता हूँ दो. दो एक इस साइड और दूसरी इस साइड ऐसे ओहो ओ, सॉरी ऐसे जहां पे टच किया दैट आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो यहां पे जो सेकंड थियोरम की स्टेटमेंट है वो ये है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ आर इक्वल इन लेंथ टेंट की लेंथ क्या होती है एक्सटीरियर पॉइंट से इक्वल होती है मतलब इस एक्सटीरियर पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ये नहीं कि उसको बाहर भी चले जाओ सिर्फ यहां से यहां तक पी ए पी बी के इक्वल होगा रहेगा याद ये बोलो बच्चे यस यस सर सर हम्म इसके बाद नेक्स्ट वन अगर दो सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को दो सर्कल या तो एक्सटर्नली टच करेंगे ऐसे एक छोटा मिरे जैसा बना दिया एक करने जैसा बना दिया मैंने है ना यस या, या इंटरनल टच करें कुछ नहीं सो रहा है तू नहीं सो नहीं रहा मैं वो तो ऊपर वाली चीज बस बराबर रिवाइज कर रहा था बुक से यहाँ पे कोई बात नहीं हो जाएगी रिवाइज मैं बार बार पूछूंगा उस टाइम हो जाएगी ठीक है यहां देखो वेन टू सर्कल टच इंटरनली और ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन एंड थ्रू पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऐसी यहां पे देखो इंटरनली है इसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के साथ जाके टच करेगा मतलब सेंटर ऑफ टू ट सर्कल लाइव ऑन सेम स्ट्रेट लाइन ठीक है याद रहेगा बोलो। बी तक ही जाएगा, जाएगा इंटरनली बी सेंटर है बेटा मतलब उसको आगे प्रोड्यूस किया तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये दोनों सेंटर्स एक लाइन में लाइव करेंगे क्या मतलब ये होता है समझ गए? सर तीन सर्कल का बे ही होता कैसे अगर तीन इंटरनल सर तीन इंटरनल कैसे ऐसे हाँ वो तो जितने मर्जी बना ले यार मतलब एक तो पेर पेर होंगे ना लीनियर पेयर का यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे पता मतलब को से एक तीन तो हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन मतलब सेम कोलिनियर वही इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट Interior internally, internally, or externally, then the product of their uh, then the product of their segments are equal. टू कोर्ट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली पहले में इंटरनली का मान लो ये पी पॉइंट है पी पे इंटरसेक्ट कर रही है सेगमेंट्स देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट ए बी की दो सेगमेंट कौन कौन सी हो गई यहां पर ए पी एंड बीपी क्या हो गई एपी एंड बीपी आ गई यहां पे हमारे पास दो सेगमेंट्स तो एपी इंटू बीबी किसके इक्वल होगा सीपी इंटू डीपी के इक्वल होगा ये चीज जब एक्सटर्नली करेंगे वहां थोड़ा ध्यान रखना <coughs> सबसे पहले यहाँ पे दो सेगमेंट मीमांसा बता सकते हो दो सेगमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे सर ए बी और बीपी नहीं बेटा पीए एंड पीबी आर द सेगमेंट यहाँ पे भी तो पी एंड पीबी थी ना जब इंटरनली कट कर रहे थे यहाँ पे भी हमने वही लेना है पी ए एंड पीबी मतलब यहाँ पे भी वही सेम रिजल्ट वही सेम आएगा जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया वही यह या रिजल्ट यहां से भी आएगा ए पी पी ए इंटू पी बीजिकल टू पी सी इंटू पी डी कहने का मतलब ये समझ के एक्सटर्नल सेगमेंट बच्चे मैं सेगमेंट्स की बात करता हूं यहां पे लिखा है ना प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स। जब भी कोड्स एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं तो सेगमेंट्स हमारे पास पी ए एंड पी बी बनेंगे पीसी एंड पीडी बनेंगे। ओके okay, सर। पूरी पीसी। यहाँ पे भी तो वही बाध्यम नहीं है ना पीए एंड पीबी, पीसी एंड पीडी। तो यहाँ पे भी पीबी इंटो पीए, किसके इक्वल पीडी इंटो पीसी। यही होगा, यही सेम रिजल्ट आएगा। समझे बच्चे? यस yes, सर। इसके बाद जो हमारे पास थ्योरम आ रही है दैट इज एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट उसको ये भी बोल देते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट इसमें क्या होता है सिर्फ ये चीज समझ लो कि एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट होता क्या है एक सर्कल बना लिया मैंने यहां पे एक कोड बना ली मैंने जो कोड है वो पूरे सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है एक ये वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट ये दो सेगमेंट्स है ना एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट चाहे ए पे टेंजेंट ड्रो कर लो चाहे बी पे मैंने यहां पे बी पे ड्रो, ड्रो कर लिया कर लिया अब कोड एक सेकंड बेटा कॉड और टेंजेंट के बीच में दो एंगल बन रहे हैं यहां पे बन रहे हैं अर्नव दो एंगल्स बन रहे हैं यस yes, कौन कौन से सर एक ए बी और लेफ्ट साइड तो जा रहा है ए बी पी और बी क्यू यहां तक इन तक इसको मैंने वन नेम दे दिया इसको मैंने टू नेम दे दिया ठीक है ये ध्यान रखना अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब ये एंगल वन पेन के इस साइड बन रहा है बन रहा है ना मतलब स्मॉलर सेगमेंट की तरफ बन रहा है ना एंगल वन यस yes, सर तो इस आर्क पे इस आर्क को छोड़ दो क्योंकि एंगल वन इस आर्क की तरफ बन रहा था या कह लो माइनर सेगमेंट की तरफ बन रहा था तो इस पे नहीं लेना इस आर्क पे जो मैंने डबल कर दी इस आर्क पे कहीं पे भी कोई पॉइंट हो यहां ले लो यहां ले लो यहां ले लो यहां यहां कहीं पे भी मैंने यहां पे सी पॉइंट दे लिया इस सी पॉइंट को इस कोर्ड के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन करो कर दिया तो जो एंगल वन है वो इस एंगल होगा एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल होगा समझ के बच्चे yes, चीज होगी अब दूसरा अब इस कोड के इस साइड भी तो को, कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा था डेट इज एंगल टू बट वो कौन सी सेगमेंट की तरफ बन रहा है ये बड़े वाली मेजर सेगमेंट तो इस साइड नहीं लेना मैंने इसको छुपा लिया जो सेगमेंट हमारे पास बच गया आप दिख रहा है ना छोटा सा ये वाला यहाँ पे इस आर्क पे छोटी आर्क पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो कहीं पे भी जो हाँ जहां पे आपका मन करता है इस एंड पॉइंट को उनके साथ ज्वाइन करो तो ये टू वाला एंगल इस एंगल होगा मैंने फोर नेम दे दिया थोड़ा लिखना इजी है इसलिए और ऐसे। समझ आया बच्चे क्या चीज है ये सर एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट कि अगर कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में हमारे पास दो एंगल बनते हैं इस तरफ जो एंगल बना वो इस सेगमेंट की तरफ था तो इस सेगमेंट पे नहीं होना चाहिए दूसरी सेगमेंट पे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा इस तरफ बन रहा है एंगल टू कॉर्ड और टेंजन के बीच में तो ये वाला एंगल इस एंगल इस के दूसरी सेगमेंट में ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक का दूसरे की तरफ ये चीज होती है ऑल्टरनेट समझे ये हमारी नेक्स्ट बस यहां पे हम यही रीजन लिखेंगे एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट स्टेटमेंट याद करनी है याद कर लेना वैसे जब समझ ही आ गया तो उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट काफी बड़ी है इसके बाद आगे बच्चे नेक्स्ट थ्योरम जो है उसमें क्या है कि एक सर्कल है। उसमें एक तो कोड है कोड को आगे प्रोड्यूस किया इसको सीकेंड बोलते हैं जब भी कोड आगे प्रोड्यूस हो जाती है या बाहर से कोई पॉइंट से एंड तक जाती है दैट इज कॉल्ड सीकेंट और एक टेंजेंट है और क्या है एक टेंजेंट ए बी कॉड थी पीटी टेंजेंट है तो स्क्वायर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कॉड सेगमेंट्स ऑफ मीमांसा यहां पे कौन कौन सी हैं पी ए एंड पी बी, यस पी ए इंटू पी बी ये रिजल्ट स्टेटमेंट इसकी लिखनी है स्कोयर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉट समझे यस सर, मतलब इन्होंने ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट में इफ ए कॉड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट

ये हमारे पास थ्योरम्स है इन थ्योरम्स के बेस पे ये चैप्टर है ये एक्सरसाइज फिर से एक बार रिवाइज करवाऊ थ्योरम्स की जरूरत नहीं है बोलो फटाफट करवा पहली थ्योरम सिर्फ इिगर में बताऊंगा रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टू देंशन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट समझ गई दूसरी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल मैं यहां पे रिजल्ट लिख देता हूं है ना तो ज्यादा इजी रहेगा स्टेटमेंट में साथ साथ बोल रहा हूं रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट वर्ड लिखना जरूरी है ये ध्यान रखना दूसरा टेंजियंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल लेंथ ऑफ टेंजियंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है तीसरा इफ टू सर्कल टच इंटरनली और एक्सटर्नली देन देर सेंटर लाइन होना सेम स्टेट लाइन विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझे इन्होंने इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी है एक मिनट जो इन्होंने लिखी है ना वो चीज डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा इजी रहेगा फिर टू सर्कल टच कॉन्टेक्ट लाइव ऑन दाइन ज्वाइनिंग ऐसे लिखा हुआ है उस पे लाइ कर रहा है यहाँ पे सेंटर को ज्वाइन किया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उसी पे लाई कर रहा है इसके बाद हमने थ्योरम कौन सी की अगर टू कॉर्ड इंटरनली या एक्सटर्नली टच करती और सॉरी कट करती हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा सेगमेंट ऑफ अदर कोड पीसी इंटू पी डी यहां पर अगर एक्सटर्नली करें अगर वो एक्सटर्नली करें तो भी पीए इन पीबी बच्चे यहां करते हैं वो पीए इंटू एबी कर देते हैं के समझे बच्चे क्या बता इसके बाद आई थी हमारे पास थ्योरम कौन सी एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट नेक्स्ट थ्योरम क्या है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट में होता क्या है एक और टेंजेंट इस साइड वाला एंगल इस साइड किसी भी कहीं पे भी पॉइंट ले लिया उसके इक्वल होगा और कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये एंगल इस वाले को छोड़ दो इस साइड किसी किसी भी पॉइंट के साथ एंड पॉइंट को ज्वाइन किया उसके इक्वल होगा ये एंगल इसके इक्वल सिंगल आर्क वाला डबल वाला डबल के इक्वल दिस इज कॉल्ड एंगल इन ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर मत बोल देना एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलना है ठीक है इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली इफ एंड थी और इंटरसेक्ट ईच अदर देन देर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ कोर्ट

एग्जाम्पल कर लिया फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा कहोगे आता है आता है आता है वो एक ही सेम चीज ही होती है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एक या दो एग्जाम्पल्स होती हैं जो टेडी दी होती हैं फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस ट्री फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एक फिगर बनाओ टेंजेंट बनाओ लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है कहां से ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस थ्री एट ए डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर ये फाइव है बेटा हमारे पास पी पॉइंट पी ए टेंजेंट है ओ सेंटर है ओ ए रेडियस हो गया थ्री हो गया वट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इंजन पी ए वी हैव टू फाइंड हांजी आकृति हाउ वी कैन फाइंड पी ए आकृति मेरी आवाज सुनाई दे रही है हाउ वी कैन फाइंड पैलीथियोरम पूरी स्टेटमेंट में दो तीन बार लिखूंगा उसके बाद नहीं लिखूंगा वट इज ओ ओ क्या है आकृति बेस है शाबाश सेंटर से सर्कल तक बेस है नो दैट या सेंस लिख दो सेंस रेडियस ऑफ अ सर्कल

हमें सबसे पहले उसको थ्योरम अप्लाई करके प्रूफ किया अब हम क्या लगा दो थ्योरम पी ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा सर p o स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर कवि तेरे मार्क्स नहीं पी -ओ आते p स्क्वायर माइनस o स्क्वायर मैंने क्या किया मैंने परपेंडिकुलर मैं या बेस कह लो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर पाइथागोरस रहे पी हमने करना है। फाइव का ओ ए थी है, है, का का आ गया बेटा। कितना आ गया हमारे पास फोर सेंटीमीटर हो गया बस कितना इजी था पहला सम है ना पहले थ्योरम लगाई नाइनटी प्रूफ किया, उसके बाद पाइथागोरस बस कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको तो ना।, ना क्या तो पूरे की एट नहीं है यार टेंजेंट तो जितनी मर्जी प्रोड्यूस कर ले एक्सटर्नल पॉइंट से यहां तक टेंजेंट की लेंथ फाइंड करते होते हैं समझे सेकंड सम पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ थर्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर सी जब उन्होंने खुद सेंटर सी बोल दिया ना तो यहां पर सी लिखेंगे हम अगर हम अपनी तरफ से ओ ले लिया ना सारे समे काटा क्रॉस लग जाएगा डिस्टेंस ऑफ थर्टीन सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ये हमें थर्टीन सेंटीमीटर दिया होगा एंड पी टी इजियंट यहाँ नीचे, नीचे बना लो नीचे बना लो चाहे ऊपर बना लो मैंने ऊपर बना दिया पीटी टू ए सर्कल पीटी इज गिवन ट्वेल्व ये हमें ट्वेल्व गिवन है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल रेडियम हमने फाइंड करना है सेम क्वेश्चन सबसे पहले सी टी पर हो जाएगा PT पे पेम की स्टेटमेंट अर्नव में भूल गया अर्नव मोटे छठी इंजन डेट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल मैं ना रेडियस परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल यार तू याद क्यों कर रहा है उसको प्रैक्टिकली अपनी तरफ से बना ले तभी तेरे को लर्न नहीं हो रही है ये क्या है ये क्या चीज है परपेंडिकुलर व्हाट इज दिस सिटी क्या है रेडियस सिटी रेडियस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऐसे लिखना है अगर तुम तो किताब पे जाएगा ना बुक पे जाएगा तब नहीं याद कर पाएगा उसको खुद अपनी लैंग्वेज में लिख हम ये भी लिख सकते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऐसे भी उल्टा भी करके भी लिख सकते अपन बता फिर से फिर से बोल रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हाँ अब बिल्कुल सही बोला है समझ गए रट्टा नहीं मारना उसको समझ के कर अपने आप हो जाएगा बाकी मैं बार बार पूछूंगा वैसे ही लर्न हो जानी है ये नाइनटी आ गया उसके बाद सीटी फाइंड कर लेंगे सीटी yes, स्क्वायर किसके इक्वल c t स्क्वायर किसके इक्वल बच्चे सर बोलो स p स्क्वायर माइनस p t स्क्वायर हम मम्मी पढ़ने नहीं दे रही है ना डिस्टर्ब कर रही है नहीं सर वो साइड में स्क्रीन आ रही थी ना वीडियोस, वो वीडियोस इसलिए वो दिख नहीं रहा था पॉइंट कौन सा अच्छा 12 स्क्वायर माइनस अ सॉरी थर्टीन स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 144 144 25 तो सीटी की वैल्यू क्या आ गई रूट 25 और प्लस माइनस लगा के पिछले समय भी बच्चे माइनस को रिजेक्ट करेंगे हम सीटी इज़ इक्वल टू माइनस 5 सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव रिजेक्टेड एंड सीटी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस ऑफ़ सर्कल समझ गए बच्चे यस सर नाउ मिमांसा यस सर थर्ड सम हम करेंगे ना करें आप अपने आप करोगे मैं तो सिर्फ फिगर दिखा देता हूं ये फिगर दी हमें क्या दिया है टेंजेंट की लेंथ दी है एट रेडियस दिया है 6 पीसी फाइंड करना है हो जाएगा फाइंड यस सर नियरेस्ट अह नियरेस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट तो वही होगा नेक्स्ट सम फोर्थ वाला भी मांसा थर्ड सम अपने आप करोगे अब हम फोर्थ सम पे आ गए हैं टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडिया थर्टीन एंड फाइव कंसेंट्रिक सर्कल कौन सी होती हैं जिनका सेंटर सेम होता है कंसेंट्रिक सर्कल आर दो सर्कल को को मतलब सेम सेंट्रिक मतलब सेंटर कंसेंट्रिक मतलब हैविंग

और स्मॉलर सर्कल की को टच करके जा रही है इसलिए टेंजेंट है पॉइंट ले लेते हैं सेंटर को वो ले लेते हैं हमने ए बी फाइंड करना है कैसे फाइंड करेंगे ओपी को ज्वाइन कर लें लेमानसा यस yes, सर ओपी को ज्वाइन कर लिया ओए को ज्वाइन कर लिया यहां पे सबसे पहले

ए पी स्क्वायर किस केक को लाएगा थर्टीन स्क्वायर माइनस फाइव ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर एक बार ऐसे ही लिखना है प्रॉपर पाइथागोरस हेवर स्क्वायर में रीजन लिख दोगे मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं प्लस माइनस आएगा माइनस को रिजेक्ट करना ए पी ट्वेल्व आ जाएगा आ गया अब ए बी कैसे फाइंड करें बोलो बच्चे मीमांसा हाउ वी कैन फाइंड ए बी ना ए बी इज ट्वाइस ऑफ एपी याद करो एक थ्योरम हम नाइन्थ में की थी विमानसा याद है कि नहीं याद नो सर वट इज ओपी बड़े सर्कल में रेडियस तो आ, बड़े सर्कल में रेडियस है नहीं सर पर सर, मैं है ना चुप 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 इसको याद करवानी है मैंने ईमान ये फिगर बनाई बेटा मैंने इस फिगर में बताओ ओपी क्या है पर पेंडिकुलर है किस पे पर पेंडिकुलर है एबी पे एबी क्या चीज है कॉर्ड तो याद करो थ्योरम फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉर्ड नाइन्थ में सर्कल चैप्टर किया नहीं है ना नहीं किया ना तरीके से भी तो कर सकते थे भी थर्टीन के इक्वल हो जाता फिर सेम वही वाला प्रोसीजर पता कर... है मुझे कहां हमारा एक लाइन में निकल रहा है कहां हमारे पास वहां पे बहुत टाइम होगा ना मेहमान साहब हम्म नई चीज सीखनी नहीं है ये थ्योरम लगाएंगे बेटा ओके सर नाइन्थ याद आ गई थ्योरम कि नहीं आई अभी भी बता दो सर अच्छी पूरी स्टेटमेंट मैंने लिखती है पर पेंडिकुलर कहाँ से सेंटर से किस पे कॉर्ड पे कॉर्ड हो जाएगा याद धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे ना हो जाएगा हो गया क्योंकि तो यहां तो मैंने ना पते हाँ पैसा लगा के वो भी, 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 भी फाइन कर सकते हैं वो सेम ही आएगा वो गलत नहीं है सही है वो जो फिफ्थ वाला सामने बच्चे वो तो ओरल है दो सर्कल है ये तो मैं ही करवा देता हूं टू सर्कल ऑफ रेडिया है, फाइव एंड टू पॉइंट एट एक सर्कल का रेडियस फाइव है दूसरे का टू पॉइंट एट है टच ईच अदर एक दूसरे को टच कर रही है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इफ दे टच एक्सटर्नली अगर वो एक्सटर्नली टच करें और दूसरा इंटरनली अगर वो एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों को एड कर दो वो उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा सेवन पॉइंट एट इंटरनली करते हैं तो माइनस कर दो फाइव माइनस टू पॉइंट एट टू पॉइंट टू आ जाएगा वो हमारा आंसर आ गया समझे बच्चे लग गया बता। हम पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स इन फिगर यस सर ए बी सी एक सर्कल है इनको टच कर रहा है इंटरनल ए बी सी यहां पे उन्होंने पी पॉइंट दिया हुआ है यहां पे उन्होंने Q पॉइंट दिया हुआ है यहां पे उन्होंने आर पॉइंट दिया हुआ है ये पूरी लेंथ को एक्स लिखा हुआ है जो फिगर में मार्क है मैं वो कर रहा हूं इस पूरी लेंथ को ट्वेल्व दिया हुआ है ये इतनी की लेंथ फोर है ए पी इतनी की लेंथ सिक्स है फाइंड एक्स एक्स की लेंथ फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड एक्स रूहानियत बताइए बेटा चलो मैं हिंट देता हूं टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो आज हमने की थी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ अब तो बता दो रूहानियत yes, ये ए पॉइंट है ए पॉइंट से दो टेंजेंट कौन कौन सी sir, A, B, A, तक लेना बेटा ओके सर स्टेटमेंट क्या लिखी थी यही लिखी थी ना कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है एपी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर हो गया यहां मैंने साथ ही साथ फोर लिख दिया लिख दिया ए के पे तो सी के कितना आ जाएगा सेंटीमीटर पीबी के सी क्यू प्रॉपर लिखेंगे हम ए सी माइनस ए क्यों मतलब ट्वेल्व माइनस फोर एट सेंटीमीटर और यहाँ पे ना रीजन लिखना है एक क्या Sir, लिखना है रीजन कैसे कैसे सर सेंटीमीटर तेरे पास ट्वेल्व रुपीज हैं फोर रुपीज की तूने चिजी ले ली ओ, सारे, सारे, मैं ने देखा मैंने देखा कि करके तो आ जाएगा, नहीं वो मिड पॉइंट नहीं है ना ठीक है अब बी आर किसके इक्वल होगा बेटा फिगर बी आर दिख रहा है रूहानिया बी आर किसकेगा किसकी एसी की। हां जी बेटा okay, अगर एसी की लेंथ नहीं दी होगी ना तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते इस सम को एक्स की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पाएगी रूहानियत बी पॉइंट से दो टेंजेंट कौन कौन सी हैं सर बीपी और बी आर तो ये लेंथ इक्वल होंगी बेटा सी से दो कौन कौन सी हैं सर सी आर और सी क्यू तो सी क्यों सी आर के इक्वल एट सेंटीमीटर ये सिक्स आ गया ये एट आ गया बस तो देयर फोर बी सी इज इक्वल टू बी आर प्लस सी आर बी की लेंथ सिक्स फाइंड की है इसकी लेंथ एट फाइंड की है दोनों को ऐड करो वी गेट फोर्टीन सेंटीमीटर डेट इज द बी सी क्या है एक्स है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी लिख दो तो क्योंकि उन्होंने एक्स बोला तो एक्स तो मेंशन करना पड़ेगा ना बीच में हो गया बस ये सम है बेटा आगे समझ बोलो यस yes, सर ये सिक्स का ए पार्ट था नाउ नाओ सिक्स क्वेश्चन का बी पार्ट बेटा अब एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस कर रही है सर्कल को पहले ट्राइंगल कर रही थी अब क्या कर रही है एक क्वाड्रिलेटरल कर रही है मतलब जो सर्कल है इसकी साइड को सर्कम का मतलब क्या होता है कि अगर सर्कल सर्कमस्ट्राइव करेगा तो सर्कल बाहर होगा अब क्वारिलेटरल सर्कम कर रही है तो तो क्वारेटरल बाहर होगा और सर्कल सर सर्क, को टच करेगा अगर टच नहीं करेगा तो वो सर्कल नहीं होगा यहाँ पे जो फिगर दी हुई है बेटा मैं वो सारी लिख रहा हूं ए बी सी डी यहां पे उन्होंने पी पॉइंट लिया हुआ है उन्होंने अंदर की तरफ मार्क किया मैंने बाहर की तरफ कर दिया थोड़ा मुझे इजी हो जाए आर यहां पे क्यों यहां पे ए क्यों उन्होंने फाइव दिया हुआ है ये पूरी साइड x, ये पूरी साइड सेवन दी हुई है और ये आर सी थ्री दिया हुआ है साफ साफ दिख रहा है सबको yes, sir. हमने एक्स फाइंड करना है कैसे करें सेम उसी टाइप का समय है बेटा जो हमने अभी किया ना, ना? नहीं एक मिनट भी है भाई भाई ओनली सर आज मुझे बाहर जाना है थोड़ा तो मैं अभी लीव कर सकते हो यार दस बजे कौन बाहर जाता है सर मुझे गणपति लेने जाना है छोड़ क्या करने है सर। है। के लिए सर और ऐसे मत कर यार चल चली जा बाय सर बाय बेटा हाँ जी ये थ्री है यस सर सी पॉइंट से दो टेंजेंट कौन कौन सी है थ्री पॉइंट से दो टेंजेंट दो टेंजेंट है सर सी डी नहीं बच्चे सी पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक सी आर है ठीक है यस सी आर और डी आर सी एस सी आर थ्री दी है तो ये भी थ्री हो जाएगी यस yes, सर उसके बाद एस बी की, की लेंथ कितनी आ जाएगी बी एस की सेवन माइनस थ्री सीधा यहाँ पे सेवन माइनस थ्री आपने पूरा प्रोपरली लिखना है रीजन वगैरह लिखने में रीजन नहीं लिख रहा अब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ इसका ये रीजन आएगा अब ये लेंथ हमारे पास फोर आ गई उसके बाद बी एस बीपी के इक्वल बी पॉइंट ये फोर हो जाएगी ए पी ए क्यावल ये फाइव हो जाएगी दोनों को ऐड कर दो एक्स की वैल्यू नाइन आ जाएगी ना कर लोगे सेम इसी टाइप का ही है ये सम yes, हो जाएगा ना बच्चे यस नाउ नेक्स्ट ये सेवन नहीं सिक्स था ठीक है सेवन सम पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन फिगर दी हुई है हमें फिर से मैं फिगर ड्रॉ करता हूं एक सर्कल है साइड्स को टच कर रहा है ए बी सी डी यहां पे पी पॉइंट यहां पे क्यू पॉइंट यहां पे आर पॉइंट यहां पे एस पॉइंट फाइंड द पैरीमीटर ऑफ कॉर्डिनेटर कॉर्डिलेटर का पैरीमीटर फाइंड करना है ये सिक्स गिवन है ये फाइव गिवन है यहां पे थ्री गिवन है यहां पे फोर गिवन है, है बस ये कुछ दिया हुआ है अर्नव हाउ वी कैन फाइंड द पैरीमीटर ऑफ कॉर्डिलेटर बहुत इजी है yeah. पहले सारी साइड्स जो गिवन नहीं है हो निकालेंगे उस बाद ऐड कर देंगे हाँ फिर कैसे निकालेंगे ये बता मुझे सर इसमें पीबी और पीक्यू इक्वल होंगे पीवी एंड पीबी एंड बीक्यू बीपी बोला कर पीवी ना बोल इक्वल टीस्पून किया सर बीपी इज इक्वल टू बीक्यू ये फाइव है तो ये भी फाइव हो जाएगा यस yes, सर और एपी और एएस इक्वल होंगे ये 6 हो जाएगा आरडी और डीएस इक्वल होंगे अब से इनको ऐड करके ऑल टोटल ये पूरी साइड 11 आ गई वो 8 ये पूरी साइड 8 आ गई 7 वो 10 सबको ऐड कर दो मतलब रीजन देखो हम एक बार लिखेंगे BP is equal to BQ इकट्ठा लिख देंगे BQ is equal to 5 सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो यूनिट डालेंगे ठीक है सेंटीमीटर मीटर नहीं, नहीं दिया ना सी क्यू टू थ्री यूनिट्स डी आर इज टू क्योंकि बार बार रीजन लिखेंगे तो उसी में रह जाएंगे हम ए एस इज इकल टू ए पी चाहे पहले लिख दो चाहे साइड पे लिख दो ओहो और ना मैं तो रीजन ही भूल गया क्या रीजन लिखना है अड़ावट पीछे देखने लग जाता है यहाँ से बता मुझे सर एक पॉइंट से जो भी टेंजेंट जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है इसको इंग्लिश में बोल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट क्या बोलेंगे इसको टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ ओके सर बोल फिर से कैसे बोलोगे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथली थोरम भी भूल गया मैं पहली थियोरम क्या थीडियस अगर तू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं लिखेगा ना मैम ना एक बजाय दो मार्क्स काट लेगी तेरे ठीक है इसके बाद बेटा एबी को पूरा प्रोपर शो करेंगे हम

ये सेवंथ का ए पार्ट था नाउ वी विल डू सेवंथ क्वेश्चन बी पार्ट मीमांसा यस दिस वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हम सम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी गंदी सी फिगर दी है एक सर्कल है इनको टच कर रहे थोड़ा सर्कल वो हो गया पहले सर्कल बना लेना क्वाड्रिलेटरल बाद में बनाना ठीक है आप ए यहाँ पे एस पॉइंट है ये डी पॉइंट है यहां सी है यहां बी है यहां पी पॉइंट है यहां क्यू पॉइंट है यहां तक ट्वेंटी सेवन है, पी बी की लेंथ पूरी है ये भी क्लियर नहीं है चलो ये पूरी थर्टी एट है रेडियस दिया हुआ है हमें टेन ये एक्स है यहां पे आर पॉइंट है और ये एक्स है डी सी सी डी एक्स दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड द रेडियस रेडियस फाइंड करना है कैसे फाइंड करेंगे नहीं सॉरी एक्स फाइंड करना है रेडियस नहीं फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है एक्स कैसे फाइंड करेंगे सर पी बी बी की अ, बी क्यू के इक्वल होगा फिर क्यू सी निकल जाएगा बी से दो टेंजेंट बी एंड बी ये आपस में इक्वल हो गई टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ 38 में से 27 माइनस कर देंगे 11 आ जाएगा ये सी आर सी के के इक्वल इलेवन आ गया सिर्फ इतनी लेंथ आई है हमारे पास ये तो आया नहीं है डी आर कैसे फाइंड करेंगे ये एंगल 90 दिया हुआ है ये रहना रह गया था लिखना हाँ जी बच्चे बोलिए हाउ वी कैन फाइंड एक्स अगर तूने मुझे बता दिया ना तेरे को एक चॉकलेट दूंगा मैं कोरियर करवा दूंगा हाँ जी मीमान साह बोलो बच्चे सर आ आ जाएगा 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 क्या ये हाँ। ये भी होगा होगा ना ये सर, बन जाएगा। ये 90 आ जाएगा, फोर्थ एंगल। तो ये रेक्टेंगल बनेगा रेक्टेंगल का इक्वल है तो वो स्क्वायर बनेगा ठीक है बच्चे

one pair of adjacent side of a rectangle is equal then it is also called square to so, ye square ho gaya to dr or ke equal is equal to 10 all sides of square are equal ye ho jayega sir lekin uh, os dr ke equal to ho sakta tha na kyunki pehle se hi rectangle tha to तो opposite Haan. हाँ स्क्वायर हाँ, प्रूव करने की जरूरत नहीं थी फिर पहले से नहीं था rectangle तो प्रूव करना पड़ेगा बच्चे हमें सर, हाँ सर, रेक्टेंगल, करने के रेक्टेंगल के बाद हो सकता है वैसे मैंने स्क्वायर कर दिया वो भी एक ही बात है ठीक है वो दोस्त हो गए बस अगर स्क्वायर नहीं भी प्रूव करना तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स लिख सकते हैं ये टेन आ जाएगा ये हम फाइंड कर चुके हैं इलेवन ये पार्ट इलेवन आ गया ये टेन आ गया दोनों को ऐड कर दो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ट्वेंटी वन सेंटीमीटर आ जाएगी नाउ क्वेश्चन नंबर एट कि यहीं तक कर ले आज पीडीएफ भेज मैंने भेजा नहीं।, नहीं भेजा भेज देता हूँ बेटा अभी भेजता हूँ चलो आज इतना ही एन एफ है कल दोनों लेक्चर्स में बच्चे एक ना कल मैंने क्या बोला था हाँ कल फाइव ओ क्लॉक में क्लास लगा रहा हूँ पांच बजे पांच बजे हम करेंगे करेंगे पांच बजे क्या करना था उसने क्या बोला था हरलीन ने फाइट एंड डिस्टेंस पांच बजे हम फाइट एंड डिस्टेंस करेंगे सात बजे हम यही सात और नौ बजे हम यही कंटिन्यू करेंगे टेंजेंट वाला ठीक है और सर वेनेसडे टेस्ट लोगे क्या देखते हैं करता हूँ अभी शुरू में तुम्हारा क्योंकि एक्चुअल में ना अभी सब इस एक एग्जाम चल रहा है कहा जाना है कनाडा के ऑस्ट्रेलिया जाना है नहीं सर मेरे भाई का बर्थडे है कब वेडनेसडे को यस सर चलो वेडनेसडे को हम ज्यादा काम करेंगे ठीक है रिमेनिंग स्टूडेंट्स यस सर हाई एंड डिस्टेंस रहा है ना बहुत बड़ा चैप्टर है <laughs> नहीं कोई बात नहीं मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा पांच बजे लगूंगा उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं ना मैं चलो ठीक है बच्चे मिलते हैं कल फाइव ओ क्लॉक ओके बाय